हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। चलिए सब लोग आ जाइए जल्दी से लाइव। अनिल, राधे राधे, चलिए जल्दी सब लोग लाइव आ जाइए और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले, है ना। तो चलो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। सेशन शुरू होने वाला है 50 क्वेश्चन की सीरीज। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ममता गुड आफ्टरनून, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक बैच शुरू हो रहा है कंप्लीट सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस स्टेनो सीपीओ, इनके लिए कंप्लीट बैच लॉन्च हो रहा है। इस केस में आपका अभी 11 तारीख तक जो इसकी फी है वो 2021 रुपए है और 11 तारीख के बाद इसकी फीस डबल हो जाएगी, लगभग 4000 हो जाएगी। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और अगर अभी तक कहीं जुड़े हुए नहीं है तो इस बैच को ज्वाइन करके इसका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हर सब्जेक्ट की इतनी सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि एक ही जो है सारा सब्जेक्ट पढ़ा देगा। तो आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, उसको आप देखकर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी सब लोग आ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे रीजनिंग के भी स्पेशल बैच शुरू हो चुका है, ठीक है, 4 जनवरी से डेमो भी इसका देख सकते हैं आप। इसके अलावा इंग्लिश के 4 बैचेस अलग अलग टाइम पर शुरू कर दिए गए हैं, 27, 28 और 29 दिसंबर को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये अलग से सेपरेट जो बूस्टर है क्वांट का, इंग्लिश का, जीएस का, रीजनिंग का, ये भी शुरू है और चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम करते हैं 50 क्वेश्चन की सीरीज। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और अपने आप को आप चेक करिए कि आपका जीएस कितना अच्छा है, क्या आप एसएससी के लिए तैयार हैं या अभी आपको तैयारी करने की जरूरत है। और ये जो 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे विद सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि बस क्वेश्चन आपको दिमाग से निकल ना जाए, कान सुने दूसरे कान से निकल ना जाए, आपके दिमाग में वो रुके, इस वजह से सॉल्यूशन सही बताऊंगा। तो जल्दी से आ जाइए सब लोग लाइव और सेशन को शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लाते हैं आपका, ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट बन चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अगर एसएससी पेपर देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो पढ़ के जाओ आप, ठीक है। इतनी बार पूछ चुका, कम से कम मैं इतने दिन पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन 5-6 बार आ चुका है, ठीक है। तो फिलहाल आप इसका आंसर करिए कि व्हेन वाज द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। जल्दी से आंसर करिए इसका, सेशन को शेयर भी कर दीजिए। गुड आफ्टरनून देवाशीष, गुड आफ्टरनून डॉली, गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया देवाशीष, ठीक है। ये क्वेश्चन तो इतनी बार आ चुका है, इसका आंसर तो आपको कर ही देना है ना, 1991 से लेकर 1992 तक। अब मुझे अगर आपको पता हो इसकी प्राइज मनी, मुझे बताइए कि इसकी प्राइज मनी कितनी है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की, ठीक है। खेल में सबसे पहला देखा जाए तो इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में सबसे पहला पाने वाला कौन व्यक्ति थे, विश्वनाथन आनंद थे, ठीक है। इसका अगर प्राइस पता हो तो बताइए। डॉली बहुत बढ़िया, किशन नहीं, ए नहीं, गुड आफ्टरनून कुमार। आज ये ज्यादा से ज्यादा सेशन को जो भी ग्रुप में आप जान पहचान के हैं आपके सब में शेयर कर दीजिए, है ना। तो फिलहाल 1991 अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, बताइए इसकी प्राइस मनी कितनी है अगर आपको पता हो, और नहीं पता तो मैंने आपको ये लिस्ट पूरा दे दिया है, ठीक है। प्राइज मनी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछे जाने का कारण है, ये पूछे जाने का कारण ये है क्योंकि 29 अगस्त हमें सभी को पता है कि ये कौन सा दिन होता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। बहुत बढ़िया गरिमा दिवसीस, बहुत बढ़िया अनिल, बहुत बढ़िया, 25 लाख जिनका भी आंसर है, कुमार बहुत अच्छा, जिनका भी आंसर 25 लाख है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, अभी 29 अगस्त 2020 में, ठीक है, 29 अगस्त 2020 को ये प्राइज मनी चेंज कर दी गई है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, पहले कितना था 29 अगस्त 2020 से पहले 7.5 लाख, ठीक है। तो अगर एक साल पहले का अगर आप प्राइज मनी देखेंगे तो 7.5 लाख मिलेगा, तो ये सारी चीजें रिवाइज हो चुकी हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट नया क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि इसकी प्राइज मनी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, इसकी प्राइज मनी को बढ़ाकर कितना कर दिया, याद रखना आप, ठीक है। खास तौर से एक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का याद रखना, ठीक है, और इसके अलावा अर्जुन अवार्ड का याद रखना, ये दो तो मेन आपको याद ही होना चाहिए। 7.5 से 25 हो गया और 5 से 15 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। ये चीज पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर जाइए आप, अविनाश प्रताप सर, इस चैनल पे जाइए, यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो जो डेली क्लास होती है वो पीडीएफ आपको सारी मिल जाएंगी, यहां पे सारी अपडेटेड चीजें मैं डाल चुका हूं, ठीक है। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हेलो देवाशीष, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
वॉज स्वॉर्न इन एज द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ऑन 29 दिसंबर 2019। 29 दिसंबर 2019 को झारखंड की 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? आई होप कि अगर यहां से थोड़ा सा राजनीति में अगर आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, राजनीति में थोड़ी रुचि होगी, यहां पर इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा क्या? हेमंत सोरेन, ठीक है, बहुत बढ़िया ममता, 25 लाख बिल्कुल सही, ठीक है, यहां पे हेमंत सोरेन सही जवाब हो जाएगा। तो यह है हेमंत सोरेन जो कि शपथ ले रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, एज पर स्टेट सेंसस 2011, ठीक है, जब भी हम सेंसस की बात करते हैं, जब भी हम जनगणना की बात करेंगे, तो ऐसा नहीं कि हम 2019-20 का देखेंगे, हर 10 साल में जो जनगणना होती है उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे, तो 2011 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो जिनका भी जवाब हेमंत सोरेन था बिल्कुल सही, देवाशीष बहुत बढ़िया, ठीक है, अनिल बहुत बढ़िया, ठीक है, ममता बहुत अच्छा। एज पर स्टेट सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया? यहां पर यह पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अगर बात किया जाए तो कितनी पॉपुलेशन है भारत की? 121 करोड़। अब जब अगर मैं आपसे पूछूं पॉपुलेशन कितना है, आपको यह नहीं बताने कि अभी कितना 137 बोल दोगे आप, ऐसा नहीं, जब भी पूछा जाएगा आपको एक ऑफिशियल डेटा देना है, ठीक है, और वो हमें देखना है किसके हिसाब से, 2011 के हिसाब से, ठीक है। तो अभी के हिसाब से आपको नहीं लगाना, हमेशा जो ऑफिशियल डेटा है उसी को ही मेंशन करना है, अभी कितना है उससे मतलब नहीं है, 2011 के सेंसस अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है, ठीक है। बहुत बढ़िया देवाशीष, सिक्किम, हाँ, तो जिनका जवाब ए है सिक्किम, अखिलेश, हाँ, बहुत बढ़िया, तो आप जवाब हो जाएगा आपका कौन सा सही हो जाएगा, सिक्किम, तो सबसे कम आबादी वाला, और सबसे ज्यादा आबादी वाला कौन सा राज्य है वो सभी को पता है, ठीक है, ये सभी को पता है, उत्तर प्रदेश, 20 करोड़ जनसंख्या वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, विच प्लेयर बिकेम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ला लीगा इन दिसंबर 2019? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2019 में कौन सा खिलाड़ी ला लीगा का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर है? ला लीगा एक फुटबॉल लीग है, ठीक है, इसके अंदर कई सारी टीमें भी होती हैं, कई सारी टीमें खेलती हैं, तो ये पूछ रहा है कि पहली बार कौन भारतीय ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर बना है, इंपॉर्टेंट है ये काफी, ठीक है, हाँ, तो बहुत बढ़िया देवाशीष, ठीक है, अखिलेश, हाँ, तो जिनका भी आंसर था ठीक है, आशीष आपका एग्जैक्ट आंसर था 90.98 करोड़, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ, तो बहुत बढ़िया, तो जिनका भी आंसर यहाँ पे रोहित शर्मा है वो सही जवाब हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, स्पोर्ट्स एसएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो अगर आप एसएससी एग्जाम देने जा रहे हो तो आप पढ़ के जाना, फिलहाल सभी में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। ये ला लीगा का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये है पोस्टर, कम से कम अब ये इमेज देखकर आपके दिमाग में ये चीज बना रहेगा, ठीक है, क्योंकि इमेज हमें ज्यादा लंबे समय तक याद होती है, थ्योरी उतनी लंबे समय तक याद नहीं रहता, ये है इमेज, रोहित शर्मा बैट लेकर खड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन दिसंबर 2019 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस द कमेंसमेंट ऑफ द गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन अवार्ड टू बी गिवन एवरी ईयर? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है दिसंबर 2019 को किस देश के प्रधानमंत्री ने प्रतिवर्ष दिए जाने वाले गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की? किस देश के प्रधानमंत्री ने यह अवार्ड शुरू करने की घोषणा की? जल्दी से आंसर करिए इसका। भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है, हम वहां से बहुत सारी डिफेंस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं, बहुत बढ़िया विवेक, रोहित शर्मा सही जवाब था, तो जिनका भी जवाब रोहित शर्मा था, ठीक है, लाल, अनिल, विवेक, दुर्गेश, ठीक है, सभी का सही जवाब था, तो जल्दी इसका आंसर करिए, आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया था, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुर्तगाल, बहुत ही पावरफुल कंट्री, ठीक है, ज्यादातर हम यहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट, गन्स, ज्यादातर हम यहाँ से इंपोर्ट करते, कहां से? पुर्तगाल से, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज लगा हुआ है, आप इसको यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, तो ये इन्होंने इस पुरस्कार को शुरू किया ताकि जो महात्मा गांधी के जो आइडियल्स हैं, ठीक है, उसको प्रमोट किया जा सके लोगों में, ठीक है, बहुत बढ़िया अनिल, पुर्तगाल नहीं विवेक, फ्रांस नहीं, पुर्तगाल होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर एज पर द ग्लोबल फायर पावर नेशन इंडेक्स 2019? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है एग्जाम में, ग्लोबल फायर पावर नेशन इंडेक्स 2019 के अनुसार
सैन्य शक्ति के रूप में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बहुत सारे इंडेक्सेस आते हैं, सबकी अलग अलग रैंकिंग होती है, ठीक है? तो इसने रैंकिंग किसके रैंकिंग की बात की है, ग्लोबल फायर पावर नेशन इंडेक्स 2019 की बात की है। तो बोला है इसके अनुसार भारत की डिफेंस में रैंक क्या है, कितना पावरफुल है भारत, ठीक है, डिफेंस में। कोई बात नहीं विवेक, सही होता रहेगा, ठीक है। आप अपने आप को, कोई नहीं, क्वेश्चन करते रहिए, आप टिक करते रहिए, आप आखिरी में देखिए आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। यहां पे गलत होने दीजिए, कोई बात नहीं, एग्जाम में सही होना चाहिए, ये पर्पज होना चाहिए, यहां पर आप कुछ सीख कर जाइए, ठीक है। यहां पे जॉब क्या हो जाएगा, फोर्थ। पहले पे तो हम सभी को पता है कौन होगा, ठीक है, पहले पे कौन होगा, यूएसए, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना, चौथे पे इंडिया। तो इंडिया चौथा सबसे पावरफुल देश है मिलिट्री के हिसाब से, इस रैंकिंग के हिसाब से। यहां मैंने ये पूरा लिस्ट लगा दिया है, ठीक है, अपना परम मित्र पाकिस्तान, ठीक है, अपना परम मित्र पाकिस्तान भी यहाँ पे है, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं कौन से नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे इंडिया का ये चौथा नंबर है, ठीक है, तो चौथे नंबर पे है इंडिया, तो याद रखना फोर्थ, ठीक है। ये सारी पीपीटी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द तिब्बतन न्यू ईयर, ठीक है। अब फिर से फरवरी में आने वाला है, तिब्बत का जो नया साल है वो फरवरी में आने वाला है, तो वो जो फेस्टिवल है उसको क्या कहा जाता है, जल्दी से इसका आंसर करिए अगर पता हो तो। हाँ, तो जिनका भी आंसर फोर्थ था, अनिल, लाल, ठीक है, विवेक, बहुत अच्छा, ठीक है। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, है ना, और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। तो फिलहाल इसका आंसर करिए आप अगर पता हो तो, ठीक है। तो तिब्बतन का जो न्यू ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फरवरी में आ रहा है, तो अभी हो सकता है आपका एनटीपीसी पेपर देने जा रहा हो, पूछ ले आपसे, ठीक है। तो तिब्बतन का जो न्यू ईयर होता है उसको फेस्टिवल के रूप में जो सेलिब्रेट किया जाता है वो होता है लोसार फेस्टिवल, ठीक है। बहुत बढ़िया देवाशीष, कोई बात नहीं डाली, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लोसार फेस्टिवल। गलत आंसर देने से डरिए मत, है ना, यहाँ पे आप चेक करिए अपने आप को कितना है, ठीक है, उसके हिसाब से तैयार कर। अब कम से कम आपको ये पता चल गया कि लोसार फेस्टिवल होता है तिब्बतन, यहाँ पे एक चीज आपको सीखने को मिला है, ठीक है, यहाँ लाइव आने का फायदा आपको ये मिला, ठीक है। तो लोसार जो फेस्टिवल होता है ये तिब्बतों का ये न्यू ईयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स द वेव रीचिंग द सरफेस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा रहा है, कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है। फिलहाल अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आई होप कि आंसर इसका कर सकते हैं आप। बहुत बढ़िया विवेक, अनिल, देवाशीष, ठीक है, हाँ, अच्छा, दो देवाशीष है, हो, कोई नहीं, ध्यान दूंगा मैं नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे इसका फिलहाल बस ऑप्शन पढ़िए, आंसर आप कर देंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया देवाशीष, बर्बन, ठीक है, अब समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, आप आंसर पढ़िए, सीज्मोग्राफ, ठीक है। और स्टडी ऑफ अर्थ क्या होता है, अगर इस ग्राफ की जगह पे आप यहां क्या लगा दोगे, लॉजी, तो लॉजी का मतलब भी क्या होता है, स्टडी, लॉजिक मतलब होता है स्टडी। यहां पे सीज्मोलॉजी होता तो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक हो जाता, ठीक है। बस सीज्मोग्राफ क्या करता है, ये इस चीज को, तरंगों को मापता है, ठीक है। तो जिनका भी आंसर बी है, बहुत बढ़िया, डॉली, दुर्गेश, रेहान, फजल, बहुत बढ़िया, चलिए सब लोग आ गए, आ रहे हैं धीरे धीरे ऑनलाइन, ठीक है। सेशन को जो भी आपके पहचान के ग्रुप है उसमें सब में शेयर करिए, है ना, और साथ में मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, ताकि मैं उसमें नोटिफिकेशन डालता रहूंगा और नई नई चीजें उसमें कंटेंट ऐड करता रहूंगा मैं। ये होता है कुछ ऐसा सीज्मोग्राफ, ठीक है, एक सीज्मोग्राफ है। अब ये एग्जैक्टली तो बता पाना मुश्किल है ये कैसे काम करेगा, ठीक है, बट जब अर्थ हिलता है तो उसके हिसाब से क्या करता है, वो बनाता चला जाता है, ये होता है सीज्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, विच साइंटिस्ट अरेंज द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, सीज्मोलॉजी जिनका भी आंसर था, देवाशीष, प्रमाणिक, ठीक है, प्रमाणिक और देवाशीष, ठीक है, सबका सही जवाब है, रेहान, फजल, नहीं, मैनोमीटर नहीं, ठीक है। तो जिनका भी आंसर फिलहाल सीज्मोग्राफ था वो बिल्कुल सही था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। फिलहाल जिनका 11th 12th साइंस से रहा होगा उन्होंने हमेशा ये सुना ही होगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी हमेशा ही सुना होगा, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर करिए जल्दी से, जिसको भी पता हो सेशन को शेयर करते रहिए साथ में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, मेंडलीव की आवर्त सारणी हमने हमेशा ही सुना है, ठीक है। बहुत बढ़िया विवेक, तो जिनका भी आंसर
यहाँ पे डी है, बिल्कुल सही निकेत अखिलेश, ठीक है बिल्कुल सही है। हाँ बहुत बढ़िया, फ्रॉम रशिया अखिलेश, बहुत अच्छा, ये रशिया के है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, ये है आपके दिमित्री मेंडलीव, तो मेंडलीव की आवर साड़ी हमने खूब सुना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ विट्रियॉल, ऑयल ऑफ विट्रियॉल का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रियॉल का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अगर पता हो तो हिंट दे रहा हूं, आप बताना। बहुत ही खतरनाक होता है, किसी के ऊपर डाल दो तो जल जाए, जल बिल्कुल जल जाएगा, उसकी हड्डियां तक गला देगा वो, इसमें क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। वो ऐसा चीज है जो कि इसके ऊपर डाल देंगे तो हड्डियां तक गला सकता है वो, तो आप गेस करिए आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से आंसर करिए इसका। अच्छा मोसले के बारे में पता है, नहीं, मोसले के बारे में, मोसले का ऐसा नहीं, मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल सबसे पहले तैयार किया गया था वो मेंडलीव के द्वारा किया गया था, है ना साम, ठीक है। मोसले के बारे में अभी तो मुझे ऐसा नहीं पता है ना, जो साइंस वाली अभी मैम आई है, एक बार उनसे आप पूछेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, है ना। फिलहाल मेंडलीव ने ही पीरियोडिक टेबल सबसे पहले बनाया था, ठीक है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पे, हाँ जिनका भी आंसर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है, ठीक है बिल्कुल सही है, सी आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने गेस किया अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक H2SO4, हम सभी ने देखा है ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसे बोला जाता है, इसका नाम, ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ विट्रियॉल, तो ऑयल ऑफ विट्रियॉल का जो केमिकल नेम है वो क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, क्वेश्चन ये पूछा रहा है, मोतीलाल नेहरू एवं 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष में तैयार किया था, और ये जो प्रारूप तैयार किया गया था, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट, इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, एग्जाम में हमेशा ही पूछा था नेहरू रिपोर्ट कब जारी किया गया था, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं रेहान फजल, ठीक है, ये मोसले के बारे में मैं देख के आऊंगा, तो मैं कल इसको एक बार देखूंगा, डिस्कस कर लूंगा कि मोसले के बारे में क्या है, ठीक है, ध्यान रहेगा मुझे। फिलहाल इसका आंसर करिए, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कब लाया गया था, अब मैं आपको बता दूं ये रिपोर्ट किसके जवाब में लाया गया था, साइमन कमीशन आया, ठीक है, साइमन कमीशन चेक करने के लिए आए थे, ठीक है, कि क्या सारी चीजें सही से काम कर रही हैं, ठीक है, जो डीआरसी सिस्टम अंग्रेजों ने लगाया था 1919 के एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या वो सही से काम करने आ रहा है। अब अंग्रेज की चीज अंग्रेज ही चेक कर रहे हैं, खूब विरोध किया गया, और जब विरोध किया जा रहा था तो अंग्रेजों ने खुद ऑफिशियली ऐसा बोला कि भारतीयों में इतनी क्षमता नहीं है कि अगर उनको बोल दिया जाए कि खुद का संविधान बनाए तो बना पाएंगे, तो उन्होंने बोला क्या इंडियन इतने काबिल नहीं है को खुद का संविधान बना सकते हैं। इसके तुरंत जवाब में कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में तुरंत एक कमेटी बनाई, बोले इनको ड्राफ्ट, इनको जो है संविधान बना के दिखाना है, ठीक है, पूरा ड्राफ्ट तैयार करो इसका कॉन्स्टिट्यूशन का, तो पूरा ड्राफ्ट तैयार हुआ मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में, और इसका जम के विरोध किया गया किसके द्वारा, इन्हीं के बेटे के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने मतलब मोतीलाल नेहरू की जो नेहरू रिपोर्ट थी इसका विरोध किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, गांधी जी उनको मना किया थोड़ा रुक तो जाओ, इन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया एक बार अंग्रेजों के रिस्पॉन्स तो देख लो, इस पर इन्होंने रिस्पॉन्स क्या दे रहे हैं अंग्रेज, ठीक है। तो फिलहाल इसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1928, ठीक है, तो बिल्कुल सही, तो जिनका बहुत बढ़िया विवेक, ठीक है। साइमन कमीशन को वैसे आना था 1929 में, है ना, वो एक साल पहले उनका हो गया था, ठीक, 1929 में आना था वो कांग्रेस कमीशन को, बट वहां पे पार्टी चेंज होने वाली थी, उसलिए उन्होंने क्या किया, एक साल पहले साइमन कमीशन को भेज दिया, नहीं तो साइमन कमीशन लेट आता, ठीक है, ऑल व्हाइट कमीशन। तो फिलहाल याद रखना नेहरू रिपोर्ट 1928, ठीक है, यह है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें कि 8 अदर लीडर भी थे मोतीलाल नेहरू के अलावा, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट का लीडर कौन था, मोतीलाल नेहरू, तो जिनका भी जवाब सी है बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत बढ़िया। निकेत देवाशीष, अनिल जितेंद्र, अनिकेत, बहुत बढ़िया, हाँ साइमन कमीशन 1928 में आया था, ठीक है बहुत बढ़िया। विच प्लेनेट इज मेडअप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद
और पीले बादलों से बना है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, वो प्लेनेट अर्थ के सबसे पास में है, ये पहला हिंट है। दूसरा हिंट, उस प्लेनेट पर अप्रोक्स 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है किस ग्रह पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ऑल वाइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया निकेत, ऑल वाइट मेंबर्स कहा जाता था उनको। हाँ, एम एन राव जो थे, बहुत बढ़िया रेहान फजल, जो एम एन राव थे, मानवेंद्र नाथ राय, उन्होंने 1934 सबसे पहले आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, बहुत बढ़िया। तो जिनका भी जवाब वीनस है, बहुत अच्छा। ठीक है, वीनस बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। और ये पृथ्वी का जुड़वा है, पृथ्वी के सबसे पास में है। ठीक है, हॉटेस्ट प्लेनेट है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार है। ठीक है, और ऐसा प्लेनेट है जिसके पास सैटेलाइट नहीं है। तो बहुत सारी चीजें, जब आप ज्योग्राफी की क्लास करेंगे ना, ज्योग्राफी पॉलिटी स्ट्रीम्स अगर जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसके बाहर से शायद ही कोई क्वेश्चन आपके एसएससी में आए। ठीक है, यहां तक अगर कोई भी एग्जाम देंगे आप, हर क्वेश्चन कहीं से भी फंसने वाला है। ठीक है, अभी तक को रिकॉर्ड यही रहा है। नेक्स्ट आते हैं। और बाकी एक चीज मैं आपको अलग से बता दूं, देखिए जिनका भी एनटीपीसी का पेपर है, ठीक है, मैंने शॉर्ट नोट बना रखे इंग्लिश में। ठीक है, शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स हैं मेरे पास दो चीजों के, एक तो ज्योग्राफी के और दूसरा पॉलिटी के, जो मैंने अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बना रखे हैं। तो अगर जो लोग ग्रुप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम ग्रुप, उसमें ये शॉर्ट नोट्स आज शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो जिनका भी एनटीपीसी का पेपर है, उस शॉर्ट नोट्स को पढ़कर जाइए, हो सकता है सारे 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 क्वेश्चन उसी में आ जाए, पॉलिटी और ज्योग्राफी के। ठीक है, तो कोई बात नहीं अनिल, सही होगा। ठीक है, करते रहिए, यहां पे गलत होने दीजिए, यहां पे गलत हो जाए कोई बात नहीं। ठीक है, साइमन कमीशन को सपोर्ट किया था बिहार शफीक ग्रुप में, मुस्लिम लीग। ठीक है, ठीक है, हाँ, हर चीज को कोई ना कोई सपोर्ट, कोई ना कोई विरोध करता ही है। फिलहाल ये है वीनस, है ना, कुछ व्हाइटिश और येलोइश टाइप का। नेक्स्ट आते हैं। ऑन विच डेट डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। 3 दिन से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। ऑन विच डेट डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज एट द लाहौर सेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था। ठीक है, इसका आंसर करिए, किस तिथि को पारित हुआ था। एक चीज याद रखिएगा, कांग्रेस के जितने भी सेशन हैं, लगभग लगभग सारे ही दिसंबर में हुए हैं, और ज्यादातर, बहुत कम है, ठीक है, ज्यादातर 10 दिसंबर के बाद ही हुए हैं। मतलब आप बोल सकते हो 11 से लेकर 30, 31 के बीच में हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल यहां पे आपका जो सही जवाब हो जाएगा, आप इतना बता सकते हो 1929, बट आप एग्जैक्ट भी ध्यान रखिए, क्योंकि एसएससी ने एक बार पूछ लिया तब इनको कॉपी पेस्ट करने की आदत है, यहीं इस कॉपी करेंगे, वहां अगले आपके एग्जाम में पेस्ट कर देंगे इसको। ठीक है, तो 19 दिसंबर 1929 में, ठीक है, जिस समय अध्यक्ष कौन था, कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, हाँ, टेलीग्राम का नाम मैंने बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, काफी काम की चीजें उसमें मैं शेयर करता रहूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, इस नाम से सर्च कर लो, अविनाश प्रताप सर। ठीक है, अविनाश प्रताप सर से सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, है ना, वहां पे सारी चीजें मैं शेयर करता रहूंगा। फिलहाल इसका आंसर याद रखना 29 दिसंबर, अब याद रखना, ठीक है, 19 दिसंबर, ऐसे याद रखो, 1929 था तो 19 से इधर याद कर लेना, थोड़ा जबरदस्ती का लॉजिक है बट काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। और ये टोटल इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कब किया गया था, इसका आंसर आप बता दो, 3 दिन हम डिस्कस कर रहे हैं। पूर्ण स्वराज कब मनाया गया था, टोटल इंडिपेंडेंस कब सेलिब्रेट किया गया था, 3 दिन डिस्कस करो, इसका आंसर करिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब मैं 2 दिन से महारत्ना नवरत्ना कर रहा हूं, कल मुझे किसी ने बोला था, हेलो सैडरे आलम, वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है, रेहान फजल, ठीक है, ठीक है, हाँ, टेलीग्राम मैंने बता दिया आपको, है ना, अविनाश प्रताप सर नाम से सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। फिलहाल मैं कई दिन डिस्कस कर रहा हूँ, कल मेरे से किसी ने बोला था सर नवरत्ना की लिस्ट भी बता दीजिए। ठीक है, मैंने आज के लिए बोला भी था और आज लोग ऐसा क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, फिलहाल इसका जवाब दीजिए आप लोग, हमें पता है कि IOCL ये महारत्ना है, सही जवाब। ठीक है, HAL नवरत्ना है, ये भी सही है। ठीक है,
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नवरत्ना नहीं, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, ये मिनी रत्ना, अरे ठीक है, तो यहां हो जाएगा इसका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि अगर यहां पे मैं नवरत्ना की लिस्ट दूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सही आंसर हो जाएगा, इसका मतलब मैच नहीं कर रहा है। गुड आफ्टरनून पूजा, बहुत बढ़िया, आ जाइए। देखिए अब यहां पे मैंने नवरत्ना का अगर लिस्ट की मैं बात करूं, ठीक है, नवरत्ना का अगर लिस्ट की बात करूं तो यहां पे 14 जो नवरत्ना कंपनी है, 10 महारत्ना है, 14 नवरत्ना है, ठीक है, यहां पे सारा नाम दिया है, आप इसको एक बार जब पीडीएफ मिल जाएगा तो एक बार आप इसको देख लेना, ठीक है, बस देखना है, इतना ज्यादा रटना नहीं है, ठीक है, कितनी चीजें रटेंगे, 60 एबव तो मिनी रत्ना में है, मिनी रत्ना लिस्ट वन, मिनी रत्ना लिस्ट टू, कितना रटेंगे, टोटल मिला के 80 अप्रॉक्स हो जाएगा, ठीक है, फिलहाल यहां पे कहीं पे भी आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आंसर करिए इसका। अच्छा किसका क्या समझ नहीं आया, एक बार फिर से बोलिए आप, यस ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गाना नहीं गाना है ना। व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 का क्या प्रावधान है। अच्छा इसके पहले का जो क्वेश्चन बात कर रहे थे, देखिए भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, भारत में जितनी भी कंपनियां हैं उनका एक स्टेटस है, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, मिनी रत्ना। इस केस में क्या होता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनको महारत्ना का दर्जा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो उससे छोटी होगी उसको नवरत्ना में रखा जाता है, जो उससे छोटी होगी उसको मिनी रत्ना में रखा जाता है, तो तीन अलग अलग कैटेगरी है। तो यहां पे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी कंपनी है, ठीक है, ये चीज आपको याद होना, अगर होगा तो इसका आंसर कर पाएंगे कि महारत्ना में कौन कौन सी कंपनी आती है, नवरत्ना में कौन सी कंपनी आती है और मिनी रत्ना में कौन सी कंपनी आती है, तभी इसका आंसर कर पाएंगे। महारत्ना तो मैं कई बार 10 कंपनी बता चुका हूं, ठीक है, और बाकी नवरत्ना का मैंने यहां पे पूरा 14 बता दिए हैं, ठीक है। फिलहाल अब क्वेश्चन ये था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 49 का क्या प्रावधान है, ठीक है, डी कंफर्म, हाँ तो जल्दी से इसको बताइए, आर्टिकल 49 किससे, आर्टिकल 49 में कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि अगर बात करें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये किसमें आया है, ये तो आर्टिकल 51 में आता है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, ये जो आएगा ये आएगा आपका आर्टिकल 24 में, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन, ठीक है, ये आ जाएगा आर्टिकल 21A, ठीक है, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लाया गया था। तो बचा कौन सा, आर्टिकल 49 जो कि ये है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन ये इसमें ये बोला है, स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण, बाकी यहां पर मैंने सारे आर्टिकल बता दिए कौन कौन से हैं, जब आपको मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें बताऊंगा, तो जिनका भी आंसर बी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, पढ़ लो लक्ष्य पढ़ लो, है ना, नहीं तो पता लगा एग्जाम में गए और आप ही घूम रहे हैं वहां पे, है ना, तो आंसर करिए जल्दी, इसका बी सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स हैज पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, इसमें ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर में वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है। देखिए हमारे देश में तीन मेन जो है स्टाइल चलता है मंदिरों में, है ना, अभी ये मैं बताऊंगा इस चीज को, फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा रहा है कि पंचायतन स्टाइल का कौन सा है, ठीक है, जिसका आंसर करिए आप अगर पता हो तो, बाकी मैं इसका आंसर बता दूं, ये है दशावतार टेम्पल। दशावतार टेम्पल कहां पे, ये विष्णु जी का टेम्पल है झांसी में, ठीक है। बहुत बढ़िया, यस ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट कुछ इसीलिए आते ही हैं, फिलहाल आप लोग पढ़ाई करिए। दशावतार टेम्पल के बारे में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, कई बार पूछा था दशावतार टेम्पल कहां पे है, ये बुंदेलखंड रीजन में झांसी में, है ना, किसका टेम्पल है, ये विष्णु जी का मंदिर है ना, ये है, ये मैं कई बार आपको दिखा चुका हूं, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये विष्णु जी का मंदिर है जो कि झांसी मिलेगा, दशावतार टेम्पल की लोकेशन याद रखना, इससे क्वेश्चन काफी बनता है, ठीक है। तो इस तरह जो स्टाइल है उसी को बोल रहे हैं, और फिलहाल ये जो स्टाइल है ये वेसरा स्टाइल का है, ठीक है। तो भारत में जो मंदिर बनाए गए हैं,
आप भारत के जो मंदिर देखेंगे, नॉर्थ इंडिया के मंदिर कुछ अलग टाइप के दिखेंगे, साउथ इंडिया के मंदिर कुछ अलग टाइप के दिखेंगे, और जो ईस्ट साइड मंदिर है वो अलग टाइप के दिखेंगे। तो इस आधार पर, ठीक है, इस आधार पर अपने देश में जो इनका स्टाइल है उसको तीन भागों में बांटा गया है। बस ये तीन ही, इतना ही ध्यान रखना आप कि तीन भाग कौन से हैं, ठीक है। और वो जो अभी पंचायन बताया था, ये इनकी सब कैटेगरी थी, ठीक है। तो नागरा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल हम सभी को पता है कहाँ होगा, साउथ में, ठीक है, और वेसरा स्टाइल, ठीक है। ये तीन स्टाइल है मंदिरों के। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन विच लैंग्वेज वेयर द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स रिटन, ठीक है। यहां क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है एग्जाम में कि मुगल दरबार के वृत्तांतों को किस भाषा में लिखा गया था। ललितपुर, ललितपुर नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। यहां पे इसका बताइए, मुगल दरबार के वृत्तांतों को किस भाषा में लिखा गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, नशा होगा, ठीक है। तो मुगल दरबार जल्दी से बताइए, तो मुगल दरबार में कौन सी भाषा होती थी, कौन सी भाषा चलती थी, वो पर्शियन चलती थी, ठीक है। याद रखिएगा, बस आपको ये याद रखना है कि मुगल दरबार में कौन सा भाषा चलता था, पर्शियन, बस हो गया। इससे ज्यादा कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमिनेंट लीडर्स रोट दी बुक सिटीजन डेली माई लाइफ माई टाइम्स, बहुत फेमस किताब है, पिछले साल काफी ज्यादा न्यूज में था, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देवाशीष, लगता तो है इसको ब्लॉक करना पड़ेगा, है ना, कुछ लोग वायरस आ जाते हैं जो इरिटेट करते हैं। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, हाँ रेहान फजल, उसको अभी ब्लॉक करूंगा, अब दोबारा आने दीजिए इसको, है ना। तो फिलहाल निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से किसने सृजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम बुक पुस्तक लिखी है, बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एनटीपीसी एग्जाम आपको मिलने वाला ही है, ठीक है। तो लिस्ट आंसर करिए इसका, ठीक, तो लिस्ट आंसर करिए इसका, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा शीला दीक्षित, ठीक है, आंसर शीला दीक्षित हो जाएगा। ये शीला दीक्षित की किताब है, ठीक है, सिटीजन दिल्ली। तो पता है दिल्ली कितने समय तक वो सीएम रही है, तो इसे याद रख लो, दिल्ली की सीएम काफी समय तक रही है, तो दिल्ली सिटीजन दिल्ली कौन लिखेगा किताब, शीला दीक्षित लिखेंगे, ठीक है, माई टाइम्स माई लाइफ, है ना। तो शीला दीक्षित सही हो जाएगा, बहुत सही विवेक देवाशीष, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं अखिलेश, है ना। तो जिनका भी आंसर डी है, बहुत अच्छा रेहान फजल, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हु डिजाइन द फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर इन इंडिया। इन सब क्वेश्चन का कुछ नहीं किया जा सकता, ये सब क्वेश्चन ऐसे है ना, है ना, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो एमसीक्यू के माध्यम से आपको पता चल जाते हैं, ठीक है, फिलहाल याद रखिएगा। तो यहां पे पूछा रहा है, हु डिजाइन द फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर इन इंडिया, भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था, ठीक है। ऐसे याद रखना कि जो है पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया, उस व्यक्ति ने डिजाइन किया जो अपना मित्र होगा, ऐसे याद रखो, एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया जो अपना मित्र होगा, तो मित्र से क्या हो जाएगा, समरेंद्र कुमार मित्र, तो बस मित्र याद रखना, काम चल जाएगा, है ना, एनालॉग कंप्यूटर मित्र, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है। और 19 ईयर कौन सा है, 1953, ठीक है। तो यहां पे ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स हैज नॉट बीन नोटिफाइड एज अ नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट बाई द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है, ठीक है, इसका आंसर करिए फिलहाल, ठीक है, इसका आंसर करिए फिलहाल, ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी लोगों को इग्नोर करिए, है ना, जो वायरस है वायरस को इग्नोर करिए, बाकी बताइए इसका आंसर फिलहाल, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर याद रखिए, है ना, क्योंकि इसके ऑप्शन ही ऐसे हैं, ऑप्शन ही ऐसे कि इसका कुछ किया नहीं जा सकता, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले का जिंजी फोर्ट, ठीक है, ये जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट, ठीक है, जो जीएसआई की लिस्ट में शामिल नहीं है, ठीक है, जीएसआई की लिस्ट में शामिल नहीं है। अब ये देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, अब एमसीक्यू आया, बस इस क्वेश्चन को आप रट लो, ठीक है। अब इसके लिए आपको ये नहीं करना है कि गूगल में जाके फिर पूरी लिस्ट, आपने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पूरी लिस्ट निकाली जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स का, उसको आपने रटना शुरू किया, ये गलती नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन सदियों में एक आध बार पूछे जाते हैं, तो बस आपने ये क्वेश्चन आ गया, बस इसको आप रट लो, ये क्वेश्चन आपको दोबारा मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जिनका भी ऑप्शन डी है वो सही है।
ठीक है, तमिलनाडु, बहुत बढ़िया अनिल। हाँ ठीक है, इन DASD व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए? DASD में ए का पूर्ण रूप क्या है? फिलहाल इसका आंसर बताइए। आप इसका पूरा नाम याद रखिए, है ना, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, DASD, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तब यहां पे इसको बस आपको इतना ही करना है, आप समझो एक क्वेश्चन के लिए तैयार है। अगर एग्जाम में पूछा गया तो आप बस इसका फुल फॉर्म याद रखना। तो जब यहां बोल दिया डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, तो ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब हो गया एक्सेस। ठीक है, ऑप्शन है किस चीज के लिए? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विच चाइल्ड एक्टिविस्ट बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द चेंज मेकर अवार्ड 2019 फॉर हर वर्क टुवर्ड एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज इन राजस्थान? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान में बाल विवाह उन्मूलन के लिए कार्य करने हेतु कौन बाल अधिकार कार्यकर्ता चेंज मेकर अवार्ड 2019 प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय बनी? तो चेंज मेकर दो अवार्ड 2019 किस भारती को मिला? चेंज मेकर अवार्ड 2019 किस भारती को मिला? इसका आंसर करिए। बहुत बढ़िया, डी। हाँ, उसका आंसर डी था, बहुत अच्छा। ठीक है, तो जल्दी सेशन को शेयर करिए और साथ में लाइक भी करते जाइए, है ना। इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पायल जांगिड़। ठीक है, पायल जांगिड़ को क्या मिला? चेंज मेकर अवार्ड। ऐसे याद रखो कि पायल जांगिड़ ने 2019 में क्या किया? खूब पायल खनकाया और सब कुछ चेंज हो गया। खूब पायल खनकाया और सब कुछ चेंज हो गया, तो पायल जांगिड़ को क्या मिल गया? चेंज मेकर अवार्ड, क्योंकि इन्होंने पायल खनका के सब कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, ऐसे याद रखिए। तो पायल जांगिड़, यह है पायल जांगिड़ जिन्हें यह अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस इमेज को आप देख सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, 17 ईयर ओल्ड पायल जांगिड़ टू फर्स्ट इंडियन टू विन ग्लोबल गोल्ड चेंज मेकर अवार्ड। ठीक है, तो जिनका भी आंसर डी था, बहुत अच्छा। हाँ कोमल, बहुत बढ़िया। ठीक है, डी। हाँ, तो जिनका आंसर डी था, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। विच फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर ऑफ इंडिया वॉज अवार्डेड द स्पोर्ट्स स्टार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन फरवरी 2019? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, फरवरी 2019 में भारत के किस पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी को स्पोर्ट्स स्टार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? फिलहाल इसका आंसर करिए। हाँ, नाम ले लिया कोमल। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर करिए। विच फॉरेन बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द इंडियन वॉज अवार्डेड द स्पोर्ट्स स्टार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन फरवरी 2019? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश पादुकोण। ठीक है, तो प्रकाश पादुकोण को किस कप मिला था? ये 2019 के लिए। अब फिलहाल अब अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब आपसे पूछा जाएगा 2020 का। तो 2020 में यही सेम अवार्ड किसको दिया गया? कपिल देव को। तो कपिल देव विंस स्पोर्ट्स स्टार एसएस 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये आंसर अब 2020 के लिए जो मिला है वो कपिल देव को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। विच इंडियन माउंटेन लुक्स लाइक अ जायंट पिरामिड एंड हैज अ फ्लैट समिट एरिया एंड टू पीक्स? कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा दो चोटियां हैं? तो फिलहाल कुछ ऐसा दिखाई देता है, कुछ पिरामिड जैसा ऐसा दिखाई देता है, पिरामिड जैसा। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर करिए, वो कौन सा पर्वत है? हिंट के तौर पे मैं आपको इतना बता रहा हूं, वो जो माउंटेन है वो उत्तराखंड में है। हाँ, वो क्लास मैथ की क्लास शाम को होती है ना आपको? बहुत बढ़िया देवाशीष। ठीक है, आंसर हो जाएगा कामेट। ठीक है, आंसर हो जाएगा कामेट, उत्तराखंड। मैंने आपको हिंट दे ही दिया और यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, पिरामिड जैसा दिख रहा है, ये देखिए पिरामिड जैसा दिख रहा है, एक पीक हो गया, दूसरा पीक इधर हो गया। ठीक है, तो दो पीक हो गए और ये पिरामिड जैसा दिख रहा है, ये कौन सा है? कामेट। अब कम से कम इमेज देखकर आपको याद रहेगा। हाँ, 2:30 बजे मैं डेली लाइव आता हूं, है ना। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए आप लोग, है ना, साथ में लाइक भी करते चलिए। और मैंने बता दिया इसका जितने भी पीडीएफ है वो सब का सब टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलता रहेगा, और साथ में आपको एनटीपीसी के लिए और भी जो मेरे पास कंटेंट है वो मैं शेयर करता रहूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं।
विच इंडियन इकोनॉमिस्ट वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक फ्रॉम 2012 टू 16। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है 2012 से 16 के बीच में कौन वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट था, कौन वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट था 2012 से 16 के बीच में। 2012 से 16 तक किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया था? ठीक है, रघुराम राजन तो फिलहाल उनको कहीं नहीं ज्वाइन करना है, ठीक है, तो वह तो आंसर होंगे ही नहीं, है ना। इसका आंसर हो जाएगा कौशिक बसु, ठीक है, आंसर हो जाएगा कौशिक बसु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, ये इसके आंसर के फर्स्ट सेट कंप्लीट हुआ, अब हम आते हैं सेकंड सेट पे। ठीक है, 25 क्वेश्चन के दूसरा सेट है, अब इसका आंसर करिए आप लोग। हाँ, तो जिसका भी आंसर ए था बिल्कुल सही जितेंद्र, अच्छा बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, बिलियंस ऑफ इयर्स एगो द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड बाई ए लार्ज सी नोन एज दी। लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है, किस महासागर के नाम से जाना जाता है? तो कहां से अलग हुआ था? ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, है ना, कोई बात नहीं, यस फिर भी सीखिए, है ना। अब जब सबसे पहले कॉन्टिनेंट बना था, ये जो था ये क्या था, पेंजिया था। तो आप ये बोल सकते हैं सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट जिसे कहते थे, सुपर महाद्वीप, पेंजिया था, और जो ओशन था वो था पैंथालासा, पैंथालासा। तो अगर आपसे पूछा सबसे पहला ओशन कौन सा था, पैंथालासा, सबसे पहला कॉन्टिनेंट कौन सा था, पेंजिया, और जब ये ब्रेक हुआ, जब ये ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, ये भाग ऊपर चला गया अंगारा लैंड और ये भाग नीचे चला गोंडवाना लैंड, इसके बीच में एक समुद्र आया जिसका नाम था टेथिस सी। तो सबसे पहला कॉन्टिनेंट पेंजिया, सबसे पहला ओशन पैंथालासा, सबसे पहला समुद्र कौन सा था, टेथिस सी। ठीक है, टेथिस। तो जिनका भी आंसर ए है बिल्कुल सही, हाँ बच्चा सही है आपका, अभिषेक नहीं, आसिफ बिल्कुल सही, रंजीत पढ़ लो, अनिल, ठीक है बिल्कुल सही। तो जिनका भी आंसर टेथिस है वो बिल्कुल सही है ना। तो पहले कॉन्टिनेंट कुछ ऐसा था, आज हम जो देख रहे हैं कि यूरेशिया अलग है, नॉर्थ अमेरिका अलग है, साउथ अमेरिका अलग है, अफ्रीका अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, अंटार्कटिका अलग है, सब, बट जब पहले अर्थ था, ठीक है, जब पहले ऐसे ये सिस्टम बना था तो उसमें सब के सब कंबाइन थे। धीरे धीरे जब ये टूटा यहां बीच में क्या आया, टेथिस सागर, और इंडिया ने काफी लंबी यात्रा करके 1200 लाख साल तक लंबी यात्रा करके तब जाके यूरेशियस यहां से टकराया और यहां बना हिमालय। बीच में कौन सा सागर था, टेथिस। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका भी आंसर ए है, अनिल, पूजा, आसिफ बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन वेटलिफ्टर। ठीक है, इसमें से कौन इंडियन वेटलिफ्टर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय भारोत्तोलक नहीं है, इसका आंसर करिए। यहां पे ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से जुड़ी हुई है, ठीक है, स्क्वाश। तो वैसे ही दीपिका पल्लिकल भी स्क्वाश से जुड़ी हुई है, ये भारोत्तोलन से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, यह है दीपिका पल्लिकल, ठीक है, जो कि स्क्वाश प्लेयर है, स्क्वाश प्लेयर है, ठीक है, जैसे कि ज्योत्सना चिनप्पा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो जिनका भी आंसर ये था बिल्कुल सही है ना। सेशन को शेयर और लाइक करते रहिए, है ना, खूब दबा के बढ़िया से। द पेट्रियोटिक सॉन्ग सारे जहां से अच्छा वॉज कंपोज बाई, तो आपने सभी ने सुना हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम भूल भूले हैं इसकी गुलस्तान हमारा, तो ये किसकी रचना है, सारे जहां से अच्छा किसकी रचना है फिलहाल? हाँ, तो बहुत बढ़िया डॉली, पूजा, अनिल, तो जिनका भी आंसर ए था बिल्कुल सही है। सेशन को सब जगह शेयर करते रहिए, है ना। तो फिलहाल इसका आंसर बताइए, सारे जहां से अच्छा की किसने रचना की थी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है, एसएससी यही करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अलामा मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है, ज्यादातर यही नाम यूज किया जाता है, मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल की रचना है सारे जहां से अच्छा। ठीक है, तो जिनका भी आंसर बहुत बढ़िया, जितेंद्र क्या बात है, हाँ बिल्कुल सही, अखिलेश, हाँ दिनेश कार्तिक की ही शादी हुई थी उनसे, ठीक है, वैसे वो इमेज भी था बट मैंने लगाया नहीं, है ना। नेक्स्ट आते हैं, तो मोहम्मद इकबाल की रचना याद रखना, सारे जहां से अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है चौथे पे,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेवर दैट कैन बी मूव्ड इन सेवरल डायरेक्शंस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ एन इमेज ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर और सिमिलर डिस्प्ले स्क्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या उसी तरह के डिस्प्ले स्क्रीन पर एक इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है। हिंट के तौर पे मैं बता दूं, इसका ज्यादातर यूज गेम खेलने में होता है। बहुत बढ़िया अनिल, अलामत है बी जिनका भी आंसर था, बिल्कुल सही था। हाँ इकबाल मूवी भी है। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर करिए जल्दी से। गेम खेलने के लिए कौन सी चीज यूज करते हैं? तो आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। ठीक है, तो जॉयस्टिक का यूज करते हैं गेम खेलने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द मैन ऑफ द मैच अवार्ड इन द सीरीज डिसाइडिंग थर्ड ओडीआई इन द थ्री मैचेस ओडीआई सीरीज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन जनवरी 2020। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई तीन मैचों की एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के निर्णायक तीसरे एक दिवसीय मैच में मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीता? अब इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है कि ये जो ओडीआई में कितने मैच हुए तो उसमें तीसरे मैच में कौन प्लेयर था। ठीक है, ये जब का जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया उसी समय इंपॉर्टेंट था, अब इसका कोई मतलब नहीं है। वैसे इसका आंसर है रोहित शर्मा। ठीक है, तो रोहित शर्मा थे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लालीगा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? लालीगा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अनिल, यश, पूजा, प्रदीप। ठीक है, बिल्कुल सबका सही जवाब था जॉयस्टिक ही होगा। हाँ आशीष खुश रहिए। ठीक है, नहीं नहीं हाँ विराट कोहली, गेस्ट करने के लिए तो विराट कोहली सही है, बट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। ये बिल्कुल यूज इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, छोड़ो इसको, है ना आप लोग। अब ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर कौन था, इसका आंसर मुझे बताइए। देख रहा हूं मैं आपके दिमाग में कितनी चीजें हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड नेट नेशनल इनकम। ठीक है, जो भारत का नेशनल इनकम होता है, यहां पे ग्रॉस नेशनल इनकम की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि जितना हमारी इनकम हुई उसमें हमारा कुछ लागत भी तो लगा, कुछ घाटा भी हुआ। ठीक है, उसको माइनस करने के बाद जो होता है वो नेट नेशनल इनकम होता है। मतलब डेप्रिसिएशन तो माइनस होगा ही, चाहे माइनस हो प्लस तो होगा ही नहीं, क्योंकि नेट की बात किया है। ठीक है, ग्रॉस की होता, अगर ग्रॉस होता तब चीजें प्लस होती हैं, जब नेट की बात करेगा जहां नेट लग गया समझे माइनस होगा ही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जितेंद्र अभिषेक। हाँ रोहित शर्मा को बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ऐसे बीच बीच में पूछता रहूंगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब जो ग्रॉस जितनी इनकम हुई उसमें से डेप्रिसिएशन जो लागत है उसको माइनस करके, मूल्यह्रास को माइनस करेंगे तब जाके हमारा बनता है नेट नेशनल इनकम, अपने देश का इनकम। फिलहाल मैंने आप लगा दिया है कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है और जीएनआई क्या होता है। ठीक है, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप इसको एक बार जरूर देख लेना कि जीडीपी, जीएनपी और जीएनआई क्या होता है ना। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस प्राइम मिनिस्टर रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन 15 जनवरी 2020 अलोंग विद हिज कैबिनेट आफ्टर इट्स प्रेसिडेंट कॉल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी 2020 को अपने देश के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक सुधारों के लिए आमंत्रण के बाद अपने मंत्रिमंडल के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हमें पता है जब प्रधानमंत्री अपने पद से रिजाइन करता है तो उसका मंत्रिमंडल को रिजाइन करना ही पड़ता है, चाहे उनके मन हो या ना हो। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया अभिषेक, फुटबॉल का है वो। ठीक है, यहाँ पे इसका फिलहाल नहीं, श्रीलंका के नहीं, श्रीलंका के सारे लोग भाई भाई बैठे हैं, राष्ट्रपति भाई है, प्रधानमंत्री भाई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा रशिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया दिमित्री मेदवेव हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन जनवरी 15 2020। ठीक है, तो राष्ट्रपति कहां के थे, सॉरी प्रधानमंत्री कहां के थे? रूस के थे, रशिया के। ठीक है, हाँ भाई भाई की सरकार है वहां पे, है ना। हाँ तो जिनका भी आंसर डी था बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 2019 मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज फॉर हर बुक सेलेस्टियल बॉडीज। कितनी पूरा 2019 में यही घूमता रहा है,
कि सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल, जिन्होंने भी अगर तैयारी किया रहा होगा ये तो सुना ही होगा उन्होंने, सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है। तो ये किसकी किताब थी फिलहाल, अब ये 2020 का अब हमें पढ़ना है क्योंकि 2019 तो हो चुका, अब 2020 का भी मिल चुका है, अभी हम उसको देखेंगे किसको मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोखा अलहारती, ठीक है। हाँ बिल्कुल वीरेंद्र भारत, ठीक है अनिल, तो जिनका भी आंसर रशिया था बिल्कुल सही है ना, जोका अलहारती, यह है जोका अलहारती, किताब लेकर खड़ी हुई है, ठीक है। क्या कौन सा अवार्ड मिला है, द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 का, सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है, जोका अलहारती यही है। अगर 2020 की बात किया जाए, अब जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, ठीक है, 2020 का जो मिला है वो इन दोनों को मिला है, कौन कौन है ये लुकास को मिला है और माइकल हिचिनसन को मिला है, ठीक है, लुकास और माइकल हिचिनसन को मिला है कौन सा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पे ये चीज इमेज है, आप देख लेना इसको बाद में, ठीक है, तीन दोनों के मिला हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, आप साथ में करते जाइए, आप बाद में चेक करना कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। अब धीरे धीरे डेली जब टेस्ट करेंगे ना, डेली टेस्ट लगाएंगे तो बिल्कुल पता चलेगा। हाँ डी बिल्कुल सही डॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट इन लॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म, निम्नलिखित में से कौन सा एनलॉग सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदलता है, एनलॉग से डिजिटल में बदल रहा है, ठीक है, ऑप्शन पढ़ के आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पढ़ के बस ऑप्शन पढ़ लेना है तो ऑप्शन पढ़ के भी आंसर हमें पता चल जाता है, कोई बात नहीं अनिल, ठीक है, यहां पे बस माइनस में नहीं जाना है ना, कोशिश यही करनी है। तो आंसर इसका बताइए, यहां पे डिजिटलाइजर होता है, ठीक है, डिजिटलाइजर होता है जो कि कन्वर्ट करता है एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म, ठीक है, कुछ ऐसे जो एनालॉग सिग्नल होते हैं साइनोसॉइडल वेव, उनको डिजिटल फॉर्म 01 के फॉर्म में होता है, 01, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो कौन सा होता है, डिजिटलाइजर होता है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा, नहीं बार कोड के लिए क्या यहां पे जो है बार कोड का यूज तो हम लोग खुद ही करते हैं ना, ठीक है, यहां पे ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर सीट हम लोगों को मिलती ही है, एग्जाम जब देने जाते हैं ओएमआर सीट मिलती है, उसकी रीडिंग के लिए अलग होता है, ठीक है। बार कोड रीडर हमारे पास हर किसी के मोबाइल में बार कोड रीड करने के लिए है ना, तो अलग चीज है, ठीक है, बट एनालॉग सिग्नल डिस्टर्ब जो करता है वो डिजिटलाइजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाँ बिल्कुल सभी का सही है, तो जिनका भी आंसर सी था बिल्कुल सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंपाउंड्स, इसका आंसर आप ही लोग सोच के करिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है, तो कंपाउंड के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो आंसर करिए इसका, ठीक है। हाँ तो सबका जवाब सही था बिल्कुल, डिजिटलाइजर वाला बिल्कुल सही था सबका, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कंपाउंड्स हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन, ठीक है, तो वेरिएबल नहीं फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, ठीक है, ठीक है, तो फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। आई होप आप सबने इसका आंसर पढ़ लिया होगा, ठीक है। ये सारी पीडीएफ आपको दे दी जाएंगी, टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो डोंट वरी। Which of the following blood groups is called the universal receiver? किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? इसका आंसर आप ही दो, है ना? ठीक है, जिनका आंसर डी था वो बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स, बट कोई बात नहीं, आई होप इसका आंसर करके आप सही करके आप प्लस में आ जाइए, जल्दी से जल्दी प्लस में आ जाइए सब लोग करके, कि किसे सर्वग्राही कहा जाता है, एक होता है सर्वदाता, एक होता है सर्वग्राही, मतलब यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है, यूनिवर्सल रिसीवर, इसका आंसर करिए। बहुत बढ़िया रितु, ए, जिनका भी आंसर ए है बिल्कुल सही होगा, ठीक है, वो ए होगा, यूनिवर्सल रिसीवर, और यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल डोनर ओ होता है, ठीक है, ए बी पॉजिटिव, बहुत बढ़िया जितेंद्र, संतोष बहुत अच्छा, ओ निगेटिव, हाँ भारत, ओ निगेटिव होता है जो, हाँ अच्छा, इसमें ओ प्लस और माइनस दोनों है, इसमें क्या हो जाएगा, ओ माइनस, जो कि यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है, जो सबको ब्लड दे सकता है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, हम कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं क्लासिकल डांस, आप मुझे आंसर में ये बताइए, कमेंट बॉक्स में ये बताइए। हाँ, जिनका आंसर ए था बिल्कुल सही, हमें कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कितने क्लासिकल डांस है, कितने क्लासिकल डांस है इंडिया में, ठीक है, आंसर बताइए मुझे। फिलहाल क्वेश्चन ये है, मोहनी अट्टम इज अ ट्रेडिशनल डांस विच ओरिजिनेट इन द स्टेट ऑफ, ये क्लासिकल डांस है मोहनी अट्टम, ठीक है, ये पूछा जा रहा है किस स्टेट का डांस है, मोहनी अट्टम किस राज्य का डांस है, जल्दी से बताइए इसका, एक क्लासिकल डांस, ठीक है। हाँ, डोनर ओ होगा बिल्कुल सही जितेंद्र, बहुत बढ़िया देवाशीष, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देवाशीष आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अभिमन्यु, हाँ नहीं ए नहीं, वो तो कुचिपुड़ी है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, ठीक है। एत्रिय सत्रिय जो है वो आसाम का है, ठीक है, बहुत बढ़िया जितेंद्र एट, वीरेंद्र एट, तो जिनका आंसर एट क्लासिकल डांस है, और फिलहाल पूछा जा रहा है मोहनी अट्टम, तो मोहनी अट्टम का क्या हो जाएगा, केरला, ठीक है, केरला है मोहनी अट्टम का। कल भी ये मैंने इमेज आपके सामने रखा था और आज भी रख रहा हूं, देखिए आपको याद रखना है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहां का है, तमिलनाडु का, ठीक है। क्लासिकल डांस उसी को माना जाता है जो कि संगीत नाटक एकेडमी रिकॉग्नाइज करती है, जिसे संगीत नाटक एकेडमी कहेगी ये क्लासिकल डांस है, वो क्लासिकल डांस है, ठीक है, गवर्नमेंट का नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्री की अगर बात करें वो तो 9 को मानती है, लेकिन संगीत नाटक एकेडमी कितने को, 8 को मान रही है, ठीक है। यहाँ पे ये देख रहे हैं मोहनी अट्टम केरला, तो कोई बात नहीं, देखो क्लासिकल डांस आपको सारे याद होने चाहिए, किस राज्य में होता है, आए पूछा ही जाता है, ठीक है, खूब पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना, 8 के 8 क्लासिकल डांस रट लेना कहाँ का है, ठीक है। बाकी हमें पता है कथक कहाँ का है, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरला का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड महात्मा गांधी लॉन्च चंपारण सत्याग्रह, अब मुझे चंपारण सत्याग्रह का ईयर बताइए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ठीक है। हाँ, तो बीरेन्द्र बिल्कुल सही, केरला जिनका भी जवाब था बिल्कुल सही, खुश रहिए गोविंद, खुश रहिए, ठीक है, इसका आंसर जल्दी करिए, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, गांधी जी का सबूत पता है, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, गांधी जी का ये जो तीन तीन सत्याग्रह था स्टार्टिंग का, ये तीनों एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि साउथ अफ्रीका से कब आ गए, वो साउथ अफ्रीका से आ गए 1915 को, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया आए, खूब खूब अच्छे से उनका स्वागत हुआ, बिल्कुल सही, जिनका जवाब 1917 है बिल्कुल सही है, 1917, डॉली बलिया अनिल वींद्र बिल्कुल सही, जिनका जवाब 1917 है बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सी कहानी बता दूं हल्का सा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन और बन सकता है वो चीज अभी बता रहा हूं मैं। देखिए सबसे पहले आप याद रखना चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, गांधी जी तो गए थे, सभी को पता है, गांधी जी के साथ कौन गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दिमाग इसको रखना आप, गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी गए थे, इस चीज को याद रखना। गांधी जी इन्वाइट किसने किया था, रामचंद्र शुक्ल ने इन्वाइट किया था, एक्चुअली वो कई लोगों के पास गए थे, कोई उनकी सुन नहीं रहा था, फाइनली पहुंचे गांधी जी के पास और गांधी जी ने उनकी बात सुनी और फिर वो आए बिहार, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह किया। अब एक नया क्वेश्चन ये है, गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल कहां किया था, गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल किसमें किया था, याद रखना इन तीनों में से, अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक था, गांधी जी ने सबसे पहले हंगर स्ट्राइक यहीं पे किया था, इस चीज को याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। खेड़ा गुजरात, बहुत बढ़िया अखिलेश, ठीक है, गांधी जी ने अहमदाबाद मिल जो स्ट्राइक था पहली बार जो है यहाँ पे उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था, और ये इनका सत्याग्रह था स्टार्टिंग, तीनों ये तीन के तीनों एक्सपेरिमेंट थे, क्योंकि गांधी जी ने सोचा कि हम देश में पूरे इतने बड़े मूवमेंट लॉन्च करने से पहले एक बार हम एक्सपेरिमेंट कर तो ले कि साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुल हुआ था, क्या इंडिया में सक्सेसफुल होगा, ठीक है, तब उन्होंने इस तरह से पीसफुल सत्याग्रह किया और तीनों में इनको विजय मिली, और फिर इन्होंने लगा कि इनका तरीका जो है वो बिल्कुल सही है, हम इसी तरीके से देश को आजाद करवाएंगे और यही तरीका हमारा सही होगा। राजकुमार शुक्ल, बहुत बढ़िया है ना, यहाँ पे ये है, देखें 300 रुपए का टिकट जारी किया गया था राजकुमार शुक्ल के नाम पे, इन्होंने ही इनवाइट किया था, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने इनवाइट किया था और गांधी जी के साथ किसने कौन आए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र, राम कुमार, राजकुमार शुक्ल ने इन्वाइट किया था, ये है गांधी जी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, एज ऑफ जनवरी 2020
हु एमंग दी फॉलोइंग वॉज दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, अभी भी है ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है। अपने देश में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ठीक है, और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ठीक है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, दो इलेक्शन कमिश्नर, ये दोनों, ये तीन मिलकर कंट्रोल करते हैं, और जो फैसला होता है, डिसीजन जो लिया जाता है वो मेजोरिटी से लिया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर दो इलेक्शन कमिश्नर कुछ और बोल रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ और बोल रहे हैं, इन दोनों की मानी जाएगी ठीक है। तो फिलहाल कौन था इनका, सुनील अरोरा। बहुत बढ़िया बढ़िया, सुनील सही जवाब था इनका ठीक है। सुनील सही जवाब होगा, सुनील अरोरा ठीक है, सही जवाब सुनील अरोरा होगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन ये पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है। सबसे अच्छा चालक तो हमें पता ही है कौन सा है, सिल्वर, ये तो सबसे अच्छा चालक हो गया। अब ये पूछ रहा है कौन सा अच्छा चालक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर। बहुत बढ़िया अनिल, वीरेन, तो जिनका भी आंसर सुनील अरोरा था बिल्कुल सही था, बी आंसर बिल्कुल सही आलोक ठीक है। इसका आंसर करिए जल्दी से कि इसमें से कौन सा गुड कंडक्टर नहीं है, तो कॉपर भी है, सिल्वर तो सबसे अच्छा है, ग्रेफाइट भी है, आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन ठीक है। तो याद रखना, बस याद रखो ब्रोमीन अच्छा चालक नहीं है ठीक है। ऑप्शन यही सब मिल जाएंगे आपको, हो सकता है एनटीपीसी एग्जाम में। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, जुड़े रहिए आप लोग है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच कैपिटल गुड्स आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस एंड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड इन द जनरल मार्केट। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है। अब इंडिया भी धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहा है, इस तरह की चीज है। जो एग्जाम्पल इसने दिया है, इसका एग्जाम्पल यूएसए है, जापान है, इसका एग्जाम्पल है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज इसका एग्जाम्पल है ठीक है। तो ऐसी जो इकोनॉमी होती है वो होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ठीक है। कैपिटलिस्टिक हो गया, सोशलिस्टिक हो गया ठीक है, कम्युनिस्टिक हो गया, इस तरह की चीजें होती हैं। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है, ज्यादातर चीजें जो रखी जाती हैं, ज्यादातर चीजें जिनके पास होती हैं वो प्राइवेट लोग होते हैं ठीक है, गवर्नमेंट पास कम से कम चीजें होती हैं है ना। तो जिनका भी आंसर यहाँ पे बी होगा बिल्कुल सही ठीक है। तो जो ज्यादातर गवर्नमेंट हाथ में होगा वो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग होते हैं ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो पावर दिया जाता है वो जनता के पास दिया जाता है, और जो ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट लोगों को दिया जाए वो कैपिटलिस्टिक होते हैं ठीक है। नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद एज्यूम्ड ऑफिस एज ऑफ द कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ओथ लिया, कब, 25 जुलाई 2017 को। रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था, कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं ये, जल्दी से आंसर करें इसका। हम डेली यही देखते आ रहे हैं, डेली देखते आ रहे हैं कि रामनाथ कोविंद इस तरह प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, तो कौन से नंबर के हैं ये, आंसर करिए इसका। अब इसका आंसर कर देंगे आपको 14th ठीक है। तो रामनाथ कोविंद 14th नंबर के राष्ट्रपति हैं ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड बाई दी प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट। निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है ठीक है। हाँ, तो जिनका भी आंसर इसके पहले, जिनका भी आंसर डी था बिल्कुल सही, अखिलेश, अनिल, वीरेन ठीक है, सबका सही था। 14th, जितेंद्र, रितु, बलिया, बिल्कुल सबका सही जवाब, सही जवाब है ठीक है। बहुत बढ़िया भारती, बहुत अच्छा, डी होगा आंसर है ना। फिलहाल इसका आंसर करिए, देखिए इम्पीचमेंट, एक चीज मैं अभी यहां आपको क्लियर कर दूं, इम्पीचमेंट जो जो वर्ड है, जो इम्पीचमेंट वर्ड है, ये पूरे संविधान में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, संविधान में किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, बस इन्हीं के लिए इम्पीचमेंट है और किसी के लिए नहीं है ठीक है। प्रोसेस सेम हो सकती है, हमारे देश में वैसे सबसे टफ प्रोसेस जो है हटाने का राष्ट्रपति का ही है, जब हम क्वालिटी पढ़ेंगे फिलहाल इम्पीचमेंट पे ही आधे घंटे निकल जाएंगे है ना, कि कैसे इनका इम्पीचमेंट होता है। तो राष्ट्रपति के लिए ही इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। आधार क्या होगा,
वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन ही इनको हटाने का आधार होगा, आर्टिकल 61 है ना, आर्टिकल 61 इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 ठीक है, यहां पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सात क्वेश्चन और बचे हैं। द लेयर इन द अपर लिमिट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द थर्मोस्फीयर अप टू 10,000 किलोमीटर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर को ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। फिलहाल अगर आपको सीक्वेंस पता है तो आपको क्या चीज रखना है, क्या बोला ये पूछ रहा है, टॉप ऑफ थर्मोस्फीयर, बस इतना ही ध्यान रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है, पूछ रहा है थर्मोस्फीयर के ऊपर। अब आपको अगर ये पता होगा थर्मोस्फीयर के ऊपर, यहां पे सारा आंसर आप इलिमिनेट कर दोगे आसानी से। फिलहाल तो आप आंसर करिए इसका, बस आंसर इतना ध्यान रखना, थर्मोस्फीयर के ऊपर कौन सा होता है, हमें पता है पांच लेयर कौन कौन सी है, सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल, ठीक है, फिर होता है मीजोस्फीयर मतलब मध्यमंडल, मध्यमंडल ठीक है, इसके बाद है सॉरी ये स्ट्रेटोस्फीयर है, इसके ऊपर मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर मीजोस्फीयर, फिर यहां पे हो गया थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर जहां पे है इसी में ये ओवरलैपिंग जो भाग है यही आयनोस्फीयर भी है। ठीक है, वैसे थर्मोस्फीयर की विड्थ ज्यादा है बट आयनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, और सबसे ऊपर कौन सा है, एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर सबसे ऊपर है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर एक्सोस्फीयर सही, बलिया वीरेन अनिल वीरेन, ठीक है, तो जिनका भी आंसर ये सही आंसर ही दिख रहा है, हाँ कोई नहीं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक्सोस्फीयर। ठीक है, सबसे जो बाहरी परत है जो पांच मैंने बताया उसमें सबसे ऊपर कौन सा है, एक्सोस्फीयर। तो ये सीक्वेंस अगर आपको पता होगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर मेजोस्फीयर थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन करने से, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन करने से कुछ नहीं, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, मैं आपको वो चीज बता देता हूं ताकि लेयर आपको पता रहे। अभी आप क्वेश्चन करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रीजन इज नोन एज शिवालिक। अभी आप आपको ये बताना है, निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हम सभी ने सुना है ग्रेटर हिमालय, शिवालिक, ये सब, तो शिवालिक किससे बोलते हैं, इनर को बोलते हैं, आउटर को बोलते हैं, लेसर को बोलते हैं, फिर ग्रेटर हिमालय को बोलते हैं। पता है हिमालय के तीन रेंज है, ठीक है, हिमालय तीन तीन रेंज कौन से हैं, सबसे जो सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला है वो ग्रेटर हिमालय है, फिर इस ग्रेटर हिमालय को और क्या बोलते हैं, इस ग्रेटर हिमालय को बोलते हैं हिमाद्री, हिम की चादर, क्योंकि हिम से ढका रहता है। इसके नीचे कौन सा है, लेशर हिमालय, दूसरा जो है लेशर हिमालय है, ठीक है, जिसे हिमाचल रेंज भी कहा जाता है, हिमाचल रेंज भी कहा जाता है लेशर हिमालय को। जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे मैं सिक्किम में गैंगटोक गैंगटोक की बात करूं, या फिर आप शिमला घूमने जाते हैं, ठीक है, या फिर नैनीताल घूमने जाते हैं, वो सब के सब कहां है, लेशर हिमालय में है। ठीक है, जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जितने घूमने फिरने की जगह है जहां हम लोग पहाड़ों में जाते हैं, वो सब के सब लेशर हिमालय में, बीच वाले में है, और सबसे बाहर कौन सा है, आउटर हिमालय। ठीक है, आउटर हिमालय या फिर जिसे बोलते हैं शिवालिक। ये सारी चीजें आपको ज्योग्राफी में पढ़ाई जाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं आपका। ये तीन रेंज याद रखना, ग्रेटर लेशर और शिवालिक, हिमाद्री हिमाचल और आउटर, ये तीनों सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आउटर हिमालय। ठीक है, आउटर हिमालय सही हो जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है, फिलहाल मेरा यहां मेन जो पर्पज है, ये पर्पज है कि आपको आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना, तो आप पहले से इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ये तीनों सीक्वेंस है, सबसे पहले दूसरे पे तीसरे पे, ठीक है, हो जाता है कोई बात नहीं। पांच क्वेश्चन और जुड़े रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड एज पर एटन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020। अर्टोन पासपोर्ट सूचकांक 2020 के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। शक्तिशाली पासपोर्ट का मतलब यह हुआ कि जो उस देश का पासपोर्ट है कितनी देशों में वैलिड होगा, उस देश का पासपोर्ट लेकर आप कितने देशों में वैलिड मना सकते हैं उसको, कि नहीं सिंगापुर का पासपोर्ट है तो ज्यादा वैलिड होगा। पिछले साल तक तो सिंगापुर था, लेकिन इस बार ये चेंज हो चुका है 2020 में। आंसर बताइए इसका, कोई नहीं, वो पहले में दिख गया था, एक ही क्वेश्चन ऐसा हुआ जिसमें पहले आंसर आपको दिखा, इसके पहले आंसर नहीं दिखा था। ठीक है, बहुत बढ़िया रेहान फजल,
बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। इसके पहले सिंगापुर था। इसका मतलब बस यही हुआ कि कितने देशों में इसका पासपोर्ट चल जाएगा, एक ही पासपोर्ट से काम चल जाएगा, ठीक है, कई देशों में। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, अभी यहां पे जो था, ठीक है, इंडिया की जो रैंक है इसमें वो 58th है, ठीक है, इंडिया की रैंक है 58th। क्या बताना है? यस, आप एक बार फिर बताइए क्या पूछ रहे हैं आप। ठीक है, 58th इंडिया की रैंक है, याद रखिएगा, और पहले पे न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वन दी FIH सीरीज फाइनल हॉकी टूर्नामेंट इन जून 2019। काफी पुरानी है, जून 2019 का पूछ लिया है, ठीक है। फिलहाल अगर अब आप जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका कुछ खास मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन आप जान लो अभी आप क्वेश्चन आ ही गया तो। लेकिन आपके हिसाब से ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगर ये दिमाग में नहीं रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडिया। हाँ, बहुत सारे इंडेक्सेस, बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं, सब रिपोर्ट में अलग अलग होता है, सब रिपोर्ट में अलग अलग आता है ना। नहीं, पाकिस्तान नहीं, ठीक है, उसका आंसर इंडिया था। इंडिया भी जीता, इंडिया भी अच्छा खेलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्रीज विथ नेपाल। इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? हाँ, बलिया, बहुत सही, इंडिया था उसका जवाब। फिलहाल इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। हाँ, हेनले रिपोर्ट, जो जितेंद्र, आप जो हेनले रिपोर्ट बोल रहे हैं ना पासपोर्ट का, वो रिपोर्ट ज्यादा एग्जाम में पूछा था, पता नहीं कैसे इसने इसका ऑर्डन का पूछ लिया, बाकी हेनले रिपोर्ट ही ज्यादा पूछा जाता है ना, वो रिपोर्ट ज्यादा पॉपुलर है। फिलहाल बताइए। बहुत बढ़िया, किसका आंसर आया? अखिलेश, बहुत अच्छा, रितु, बहुत अच्छा, जिनका भी आंसर आसाम है, बिल्कुल सही, वेस्ट बंगाल से लगता है ये। अब मुझे बस इतना बता दो, नेपाल कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है? ये टोटल 5 राज्यों से शेयर करता है। एक बात याद रखना, इंडिया में जितने भी देश अपने अपने राज्यों से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, कोई भी देश, चाहे म्यांमार, चाहे चीन, चाहे पाकिस्तान, कोई भी कंट्री 5 स्टेट से ज्यादा बाउंड्री शेयर नहीं करता, मैक्सिमम 5 है, मिनिमम 1 है, ठीक है। तो आपकी गिनती कभी 5 से ऊपर नहीं बढ़नी चाहिए। फिलहाल आसाम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो ये सारी मैप कराऊंगा और ये आपको एक ही बार में चीजें याद हो जाएंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी, ठीक है। फिलहाल हमें सब पाकिस्तान के छोड़ो, है ना, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। नेपाल देख रहे हैं कौन सा? उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल ही मिस हो जाता है लोगों से, ठीक है। यहां हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल कहाँ? वेस्ट बंगाल तीनों देशों से लग रहा है, नेपाल से भी, भूटान से भी और बांग्लादेश से भी, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल तीनों से लग रहा है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, याद रखना, क्योंकि वेस्ट बंगाल ही सबसे छूटता है, ठीक है। और पांचों जो स्टेट है वो सिक्किम, इन 5 राज्यों से लगता है। तो आसाम दूर दूर तक नहीं है, ठीक है, आसाम दूर दूर तक नहीं है, काफी ज्यादा अंतर है, ठीक है। तो ये हो गया मैप में, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू जावेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बातें हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वन द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड। क्वेश्चन ये पूछा रहा है, किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब ये ब्रिटेन का है, ठीक है, ब्रिटेन का है, तो सीधी सी बात है, ब्रिटेन वाले किसी प्लेयर को मिलना चाहिए, है ना। तो आंसर करिए जल्दी से इसका। अब मैथ कैसे आता है? एक जीएस वाले सर से आप मैथ पूछ रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं, मैथ वाले सर डेली शाम को पढ़ाते हैं, है ना। एक बार आप जाना एसएससी ट्यूब के चैनल पे, वहां पे उनका सर की लिंक मिलेगी, आप उनसे एक बार पूछना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत बढ़िया, बलिया, रेहान फजल, देवाशीष, बहुत अच्छा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बेन स्टोक, ठीक है। ये देखिए बेन स्टोक को अवार्ड मिला है, ठीक है। तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2019, बेन स्टोक, ठीक है, ऑलराउंडर प्लेयर, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1938 एंड 1939? दो बार कांग्रेस अध्यक्ष कौन बना? 1938 और 1939 में। 1939 के बाद इन्होंने रिजाइन ही कर दिया था और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक अपनी अलग पार्टी बना ली थी, क्योंकि इनके विचार
बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे कांग्रेस से, और इनको समर्थन भी नहीं मिल पा रहा था कांग्रेस से। ठीक है, इन्होंने अपनी अलग ही पार्टी बना ली थी। बीरेन बिल्कुल सही था, बेन स्टोक। ठीक है, तो जल्दी इसका आंसर बताओ। यस, आप मैथ वाले सर से पूछना, है ना, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा वो सही तो हो नहीं सकता मैथ के बारे में। ठीक है, तो बेहतर होगा मैथ वाले सर से पूछिए। हाँ हाँ इसका पहले जवाब बेन स्टोक था, इसका जवाब क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्रपिता किसको कहा था? ठीक है, महात्मा गांधी को। ठीक है, फादर ऑफ नेशन। एनिवेशन नहीं होगा, सिवा एनिवेशन नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब यहाँ पे जो एनिवेशन के बारे में है, एनिवेशन तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। ठीक है, सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, एनी बेसेंट बनी थी। तो आज के 25 25 प्लस 25, ठीक है, 25 25 का सेट हो रहा था, तो टोटल आपने बैठकर 50 क्वेश्चन किया। ठीक है, अब आपने, बहुत सारे लोग बैठ के पबजी खेल रहे होंगे, है ना, आप यहाँ बैठ के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब ये जो चीजें इमेज के माध्यम से आप देखते हो, ठीक है, आपने जो टाइम यूटिलाइज किया 1 घंटे पढ़कर, ये काफी आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। ठीक है, अब आपने जो जीएस पढ़ा, कई क्वेश्चन सही हुए, कई क्वेश्चन नहीं सही हुए, और जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बैठा हूं मैं यहाँ पे हूं ही, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो बताऊंगा भी, है ना। राजेंद्र प्रसाद, नहीं राजेंद्र प्रसाद का तो कुछ है ही नहीं, है ना। त्रिपुरी, यहाँ पे त्रिपुरी में अध्यक्ष कौन था? ए सुभाष चंद्र बोस ही थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे। यहाँ पे आंसर ए ही सही होगा, इसमें कोई वो डाउट नहीं है ना। हाँ, कोलकाता में 1917 में एनी बेसेंट को बनाया गया था। होम रूल लीग के बाद उनकी पॉपुलरिटी इतनी बढ़ गई थी कि उनको अध्यक्ष बना दिया गया। फिलहाल डेली जुड़े रहिए, है ना, डेली अगर रेगुलर सेशन को देखते रहेंगे तो काफी यूजफुल रहेगा आपके लिए, है ना। मैं जल्दी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर में इन्वायरमेंट के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, 10 दिन के अंदर इन्वायरमेंट के जितने भी क्वेश्चन है, जो भी पूछे गए हैं, उस पर मैं मैराथन क्लास ला रहा हूं। वो एक क्लास देखेंगे, इसके बाद इन्वायरमेंट साहब का आपकी छुट्टी। ठीक है, वो क्वेश्चन वो देख लेना आप, इन्वायरमेंट के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा एक ही सेशन में, मैराथन क्लास में। ठीक है, तो आज से मैं 1 हफ्ते 10 दिन के बाद वो सेशन ला रहा हूं, मैं क्वेश्चन टाइप हो रहे हैं। ठीक है, जो जो अच्छे क्वेश्चन है मैं उसको निकाल रहे हैं और उसको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, और फिलहाल आप लोग यहाँ से डेली जुड़े रहिए और इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का सेशन कुछ समझ में आया होगा। जावेद, डॉली, थैंक यू। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, डेली ऐसे आते रहिए। बाकी मैंने आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता दिया, मैं उसमें नया नया कंटेंट शेयर करता रहूंगा, और मैंने बता दिया जिसका भी एनटीपीसी का है मैं, ठीक है, उनके लिए पॉलिटी और ज्योग्राफी के, पॉलिटी ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट शेयर करूंगा उस ग्रुप में, और उस ग्रुप को ज्वाइन करना, और वो शेयर आज मैं कर दूंगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है अविनाश प्रताप, अविनाश प्रताप सर के नाम से है, जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। ये जो आज क्वेश्चन डिस्कशन हुआ, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनका सही हुआ गलत हुआ यहाँ पर आप सीख रहे हैं, आज गलती कर लीजिए। ठीक है, आज गलती करिए, कल को ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, आज की गलती से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जाम की गलती से फर्क पड़ेगा, बट आप सीख रहे हैं, पढ़ने का जज्बा है आपके अंदर, यही एनर्जी लेकर आगे बढ़िए, काम करेगा। कुछ समय बाद ये एनर्जी भी चली जाएगी, तो इस एनर्जी को यूटिलाइज करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय।